देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फरजाना, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी सीट से बीजेपी ने पंजाब के प्रसिद्ध पद्मश्री गायक हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसे लेकर पंजाबी समुदाय काफी खुश है और उनका कहना है कि बीजेपी ने हंसराज हंस को चुनाव में खड़ा करके हमें सम्मान दिया है। आपको बता दें कि हंसराज हंस ने बीजेपी 2016 में ज्वाइन किया था। यही नहीं, हंसराज हंस निगम चुनाव के हीरो भी रह चुके हैं। हंसराज हंस ने मोदी के बारे में कहा था कि जहां मोदी है वहां कमजोरी नहीं हो सकती। जैसा कि इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट से पद्मश्री हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पंजाब के प्रसिद्ध गायक है, जिसको लेकर पंजाबी समाज काफी खुश है। आपको बता दें कि बेहद गरीब दलित परिवार में जन्मे सिंगर हंसराज हंस सालों के संघर्ष के बाद गायकी की दुनिया में अपना नाम कमाया। पद्मश्री राजगायक हंस ने वर्ष 2016 में भाजपा ज्वाइन की थी। नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस को उम्मीदवार घोषित किया। इससे पहले भाजपा ने दिल्ली की कुल 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देर रात दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी और पूर्वी दिल्ली सीट पर क्रिकेटर गौतम गंभीर के नाम की घोषणा की थी। लेकिन वर्तमान सांसद उदित राज की सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली को लेकर असमंजस था, जो हंसराज हंस के बतौर उम्मीदवार बनने के साथ दूर हो गया। बीजेपी के उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर पंजाबी प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारने के बाद पूरा पंजाबी समाज बेहद खुश है इस बात को लेकर कि ऐसा करके बीजेपी ने हमें सम्मान दिया है। हंसराज हंस को चुनाव में बीजेपी का हीरो कहा जाता है और कैसे वह प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हुए, तो आपको बता दें कि सूफी गायक हंसराज हंस ने 2017 में हुए दिल्ली नगर निगम चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हंसराज हंस ने दिल्ली में कई रैलियां, कई सभाएं की, जिसका नतीजा बीजेपी की जीत के रूप में देखा गया। वहीं हंसराज हंस ने भाजपा ज्वाइन करते समय ही कहा था कि जहां मोदी है वहां कमजोरी नहीं हो सकती। मोदी बब्बर शेर है। उन्होंने पीएम मोदी पर एक गाना भी गाया, जिसे हंसराज हंस एमसीडी चुनाव की रैलियों में गाते हुए भी दिखाया गया। हंसराज हंस नरेंद्र मोदी से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि वे देश के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी सोच और देश के विकास और प्रगति की सोच रखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, जी हाँ, 12 मई को चुनाव होना है। लेकिन क्या 2014 का इतिहास दोहराया जाएगा? अगर देखा जाए तो बीजेपी की ओर से यहाँ पर भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वो दिल्ली में कल जापानी पार्क में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के निशाने पर है बीजेपी। कहा जा रहा है कि दिल्ली में विकास नहीं करने दिया जा रहा है। 7 सांसद दिल्ली से भाजपा के रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो विकास करने में अड़ंगा अड़ा रहे हैं। लेकिन सही मायने में दिल्ली का विकास दिल्ली सरकार भी नहीं कर पा रही है। अगर हम बात करें दिल्ली के अस्पतालों की, तो बेहद खराब स्थिति है। दावे लाखों किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 15 साल तक दिल्ली की राजनीति में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने लिए जगह तलाश रही है। 12 मई को दिल्ली के मतदाता एक बार फिर अपनी ताकत का जौहर दिखाएंगे। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी। शायद यहाँ से सियासी फिजाएं या यहाँ का सियासी माहौल बदलेगा। कैमरामैन मंगल के साथ राजेश ठाकुर, नेशनल इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। There are hundreds, thousands of
young people who are unemployed. I see them on every chauraha, I see them on every marketplace. Everywhere I go, when I ask, have you got a job, they say no. देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।